सनसेट सनराइज वाला क्वेश्चन करा दिया, कलर ऑफ स्काई हो गया था ना, नहीं 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 रेड कलर ऑफ। कैटरिंग ऑफ लाइट के कौन मुझे सारे एग्जांपल बताएगा, कितने एग्जांपल आपको पता है कैटरिंग ऑफ लाइट का? एक बच्चा यस रेनबो कैटरिंग का एग्जांपल है। चलो कौन बताएगा रेनबो किस किस फिनोमिना का इफेक्ट? यस थ्री फिनोमिना टुगेदर नोट करिए। रेनबो, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन और उसका स्पेशल केस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तीन फिनोमिना अकेला, डिस्पर्शन एक तक आपने पढ़ा है कि आप सिर्फ डिस्पर्शन देखते थे कि टाइनी ड्रॉप्स एक्ट लाइक प्रिज्म्स एंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम वी सी अ बैंड ऑफ सेवन कलर्स। बट अब 10th लेवल के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन भी आपकी है उसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, राइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से? हाँ ये जो कलर वाले सारे क्वेश्चन थे ना आपके, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? ब्लू। और ड्यूरिंग सनसेट सनराइज कलर ऑफ स्काई इज रेड। क्लाउड का कलर व्हाइट। डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। यस कलर ऑफ स्काई ऑन मून। ठीक है ये सारे थे ना हमने जो क्लास में वन बाय वन डिस्कस किए थे। नामकरण का है स्टैंड अप, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है ना एग्जांपल वो एक्सप्लेन कर, चलो इन फाइव में से कोई एक, एक तो मिनिमम चूज करना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन करना है कोई क्या? हाँ चलो क्लाउड्स का बताओ। सो ही इज गोइंग टू टेल अस व्हाई डू द क्लाउड्स अपीयर व्हाइट इन कलर। चलो ये कौन नोट कर रहा है? मेन 28 30 35। यस यस कम ऑन। हाँ वो बता दो। गर्ल्स प्लीज सुनिए, हाँ जी आप एक मिनट उसको सुनो पहले। अच्छा फिर उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ रेड कलर, रेड कलर हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ व्हाट हैपेंस? कौन सा लॉ एप्लीकेबल है यहाँ पे? रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग इज एप्लीकेबल। तो रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, ज्यादा होती है, उनकी लाइट कम स्कैटर होती है, वो कलर कम स्कैटर होते हैं। सो रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, ठीक है। सो इट रीचेज द फार्देस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये कम फैलता है, कम स्कैटर होता है, दूर तक चला जाता है। सो डेंजर सिग्नल दे अपीयर टू बी व्हाइट रेड। क्या कह रहे हो? कौन सा डेंजर होता है? डेंजर सिग्नल की बात कर रही हूँ। आपने हॉरर रूम्स वगैरह देखे हैं, वहां कौन से कलर की लाइट होती है? रेड। तो डेंजर का सिंबल है ना, है ना? आपने ऐसे वाला साइन देखा बना होता है, वो किस कलर का होता है? ग्रीन तो नहीं मैंने देखा है। तो डेंजर सिग्नल, आप ट्रैफिक लाइट की बात कर रहे हो शायद, ये ट्रैफिक लाइट है डेंजर सिग्नल। हाँ रेड दिख जाती है ना, रेड ही कह रहे हैं ना। देखो ग्रीन तो लोग अपने आप देख ही लेते हैं जिन्होंने जाना है आगे, रेड का मतलब रुक जाओ, तो वो डेंजर है कि रुक जाओ, नहीं तो आपका चलान हो जाएगा, है ना? ऐसे होगा ना। अच्छा उसके बाद व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लैक ऑन मून?
no air, no air on moon, no scattering takes place, no light reaches our eyes, so that's why it appears to be black or dark. Clouds white क्यों दिखते हैं आप बताओ? Long distance, no. वो तो रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट सनराइज, तब सन रेज दूर से आती हैं होराइजन के पास से, वो बहुत दूर होता है, तो वहां से आते आते बाकी कलर खत्म हो जाते हैं स्कैटर होकर. इन द रिमेनिंग लाइट ओनली दोज कलर्स आर लेफ्ट दैट वर लीस्ट स्कैटर्ड रेड एंड ऑरेंज, सो स्काई अपीयर्स टू बी रेडिश ऑरेंजिश एट दैट टाइम. पढ़ लो. Clouds lie in low atmosphere where dust and water particles are present. They are bigger in size, so they almost scatter all the colors equally. So the light coming from clouds has all the seven colors, and combination of seven colors is white. उसके बाद Tyndall effect क्या है? Scattering of light by dust particles present. हाँ, वो कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंडेड, वो डस्ट पार्टिकल ही है सस्पेंडेड इन द एयर, बिकॉज ऑफ विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल. ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया. उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वैसे ही सिलेबस में नहीं लिखा हुआ बट थोड़ा बहुत आप कर लेते हैं इसको डिस्कस. सिलेबस में नाम भी नहीं लिखा हुआ इसका, मैं आपको दिखाऊंगी ओरिजिनल सिलेबस. आप मेरे पास आना छुट्टी के टाइम, ओरिजिनल सिलेबस दिखाऊंगी जो बोर्ड की तरफ से है. ठीक है, हाँ जी, रिलेट वो तो इसी में ही आ जाएगा ना. हाँ, वो नहीं है, रेडिश कलर ऑफ स्काई वो है सनसेट सनराइज, क्योंकि वो स्कैटरिंग पे बेस्ड है. वहां लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एप्लीकेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखा ही नहीं हुआ. चलो फिर भी हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत. आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है, अब जब रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट एयर में होती है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. पहला एग्जांपल लिखिए, पहला एग्जांपल लिखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाई डज द सन बिकम विजिबल, why does the sun become visible 2 minutes before the actual sunrise, why does the sun become visible 2 minutes before the actual sunrise. and remains visible 2 minutes after actual sunset. And remains visible for 2 minutes after actual sunset. Why? So, अगर एक sentence में बताना हो तो due to atmospheric refraction of light. अब अगर explain करना हो तो वो देखो through a diagram we can do that. ये horizon है. अब sun 2 minutes पहले जो है वो below होता है, वो अभी दिख नहीं रहा होता. ये visible तब होगा जब ये इसके ऊपर आएगा. ठीक है, this is earth. अब अर्थ के पास एयर की डेंसिटी ज्यादा है, ये कम होती जाती है. तो जब सन से लाइट अर्थ की तरफ आती है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑन एंड ऑन, आगे आगे बेंड होती रहती है टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो टू अ पर्सन स्टैंडिंग हियर द लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम हियर, सो ही सीज द इमेज ऑफ सन हियर. उसको सन की इमेज यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लाइट तो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो तो बेंड होके वहां से नहीं ना दिखेगी जहां से आ रही थी एक्चुअली. तो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसको लाइट बेंड होने की वजह से लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो उसको 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाएगा सन, जबकि अभी वो राइज नहीं है. इन द सेम वे 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहेगा रिफ्रैक्शन की वजह. सो एक्चुअली द डे इज लॉन्गर बाय 4 मिनट. So length of the day is not 24 hours exactly. That means due to atmospheric refraction, the day is elongated by 4 minutes. इस form में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, clear है concept आपका?
तो आप इसको प्रॉपर पूरा चाहे मत लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको रिकॉल हो जाए, और लिख लो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होराइजन इज अ प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ सीम टू मीट। तो सन जब उसके ऊपर आएगा तो विजिबल होगा, क्या कह रहे हो? हाँ, मतलब दो मिनट पहले तो इमेज दिख रही, उसके बाद सन तो खुद ऊपर आ जाता है, फिर तो वो सनसेट हो ही, सनराइज हो ही जाता है। हाँ हो रही है, पर उससे जब सन खुद ही ऊपर आ गया है तो दिख तो रहा ही है ना, हम तो दिखने की बात कर रहे हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से दो मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है, दो मिनट बाद तक दिखता भी रहता है, बाद में तो दिख ही रहा है ऑलरेडी। और बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द सन अपीयर, शेप ऑफ सन जो ओवल लगती है एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, और नून टाइम पे सन स्फेरिकल लगता है, वो भी उसके लिए भी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो इसका, सन अपीयर्स स्फेरिकल एट नून टाइम, सन अपीयर्स स्फेरिकल एट नून टाइम एंड अपीयर्स ओवल एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, एंड अपीयर्स ओवल एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम्स, एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम अपीयर्स ओवल एट मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो क्या होता है, नून टाइम पे सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो बिल्कुल सीधा सन रेज पड़ती है यहाँ पे नॉर्मली। विल द रेज बेंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए तो रिफ्रैक्शन होती नहीं है, बेंडिंग ही नहीं होगी, तो हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, शेप स्फेरिकल थी वही रहे। बट मॉर्निंग इवनिंग टाइम पे जब सन रेज ऑब्लिकली फॉल करती हैं, तब वो बेंड करती हैं, तब इल्यूजन लगता है। तो वो जो लाइट रेज आती हैं फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द डिस्क ऑफ सन, तो वो बेंडिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लगता है, तो हमें ओवल शेप नजर। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, क्लियर? आई थिंक यू नीड नॉट राइट दैट, अभी तो बस समझ लो इसे। Fine, clear, logic is clear. क्योंकि at noon time sun rays they fall normally. At noon time the sun rays fall normally, so no bending takes place. Sun appears, sun looks as it is. But morning evening time पे वो किसी angle पे या obliquely fall करती हैं, तो bend करती हैं। Bending होने से हमें उसकी shape में change नजर आता है, तो वो हमें ओवल सा दिखता है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डू द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं ना, के ट्विंकल ट्विंकल प्लैनेट बोलते हैं, स्टार बोलते हैं ना, तो स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट। व्हाट इज द रीजन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ से सपोज हम एक स्टार को देख रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम होती जा रही है, ठीक है? अब जब लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, इट अप्रोचेज द अर्थ, इट गोज ऑन बेंडिंग टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द नोड, ये बेंड होती जा रही है अवे एंड टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स, जैसे यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो, आपको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये रियल पोजीशन थी स्टार की, ये जो यहाँ पे लग रहा है आपको अपेरेंट पोजीशन है स्टार की। एक मिनट, अब चलो यहाँ नहीं तो वहां दिख रहा है, पर ट्विंकलिंग क्यों लगता है? क्योंकि एयर की डेंसिटी फिक्स नहीं है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वेरिंग है, तो इसलिए ये जो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है वो भी वेरिंग है, वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है, सो दैट्स व्हाई स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। एक्चुअली ट्विंकल नहीं हो रहा होता, इट अपीयर्स टू ट्विंकल, वो इल्यूजन लगती है हमें, ठीक है? तो पहले आप बताओगे कि रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट की बेंडिंग की वजह से स्टार कहीं और दिखता है,
उस पोजीशन को क्या बोलते हो, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार. बट सिंस डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअस. ये लिखो मेन लाइन, ये डायग्राम बना के ये लिखिए. सिंस द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फियर चेंजेस कंटिन्यूअसली, आप क्या कर रहे हो, फाइल बनाने का टाइम है ये, और ये वैसे भी एक्सेप्टेबल नहीं है. तो फोटोस्टेट लगाना था, आप तो डायग्राम बना रहे, पिंस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा यहाँ. ये जो एंगल आप बनाओगे ऐसे, वो एंगल वो थोड़ी ना होंगे, वो तो मेजर्ड थे वहां पे. ये तो आप ऐसे ही देख देख के बनाई जा रही, आपका ट्राइंगल भी इक्विलेटरल नहीं है, नहीं है. आप मेजर करो, 60 डिग्री का एंगल नहीं है. चलो डी से मेजर करके बताओ, आज आपका यही काम है, करो मुझे दिखाओ ये 60 डिग्री का एंगल नहीं बना होगा. ठीक है. सो सिंस डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअस. द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो गलत है ना, ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली, दैट गिव्स इट अ ट्विंकलिंग इफेक्ट. अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली, दैट गिव्स इट अ ट्विंकलिंग इफेक्ट. अब प्लैनेट जो है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, स्टार तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है छोटे छोटे. प्लैनेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है लाइक स्टार. अब सपोज करो आपका जो स्टार है वो एक दिवाली लाइट है, और जो प्लैनेट है आपका बंच ऑफ दिवाली लाइट है. आपने इकट्ठा उनको होल्ड किया हुआ है, आप चेक कर रहे हो कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है ना. आप एक बंच पकड़ के बैठे हो, कोई लाइट ऑफ कर देते हो, रूम की लाइट ऑफ कर देता है, वो चल रही है. तो दूर से आपको क्या वो ट्विंकलिंग, एक लाइट सपोज ट्विंकलिंग थी, वो ऐसी लाइट मिलती है ना. जब आपने पूरा बंच पकड़ा हुआ है एक प्लेस पे, तो वो ट्विंकलिंग नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, वो एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लगेगी. पर वो जो लंप है पूरा एक बंडल है, वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देंगे. आपको बाउंड्रीज पे कुछ थोड़ा बहुत लगेगा, बट ऑन दी होल आप देखोगे आपको वो लाइटेड लगेगा, इल्यूमिनेटेड लगेगा कि लाइट आ रही है, बट वो ट्विंकलिंग इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा. दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इंटेंसिटीज. तो ये प्लैनेट के केस में ऐसे ही होता है. द प्लैनेट्स आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दे आर कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट दैट आर ट्विंकलिंग सेपरेटली, बट दे नलीफाई ईच अदर इफेक्ट. वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसल आउट कर देती है, नेट इंटेंसिटी कम्स आउट टू बी जीरो. सो दे जस्ट अपीयर टू बी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. फॉर एग्जाम्पल वीनस, अगर आपको दिखता है नाइट स्काई में वीनस विजिबल होता है, पर वो ट्विंकलिंग नहीं लगता क्योंकि वो एक बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट और स्टार दूर बहुत है, प्लैनेट क्लोज है, राइट. सो दिस इज द रीजन. तो इसलिए प्लैनेट जो है उसके केस में ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देती हैं, तो वो हमें ट्विंकलिंग नहीं लगते, लाइटेड लगते हैं. आप घर पे ट्राई करना है. कौन ट्राई करके बताएगा कल, यही ये ऑब्जर्वेशन कौन करेगा. नहीं नहीं आप कह रहे थे आप ऐसे करना, फिजिक्स ग्रुप में एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बना के डाल दी, ठीक है. 24 को संडे को, चलो संडे डाल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात. वैसे लाइट्स तो दिवाली पे लगाते हैं, चलो ठीक है कर लेंगे, ठीक है. छोटी सी वीडियो 1-2 मिनट की बना के ग्रुप में डाल दो, बट इसी वे से उसको परफॉर्म कर लो, राइट. चलिए हो गए एग्जांपल, कोई और रहता है बस, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन लिखो न्यूमेरिकल, राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन चलो लिखो एमसीक्यू.
क्या क्या डी ऑप्शन किस चीज की? चलो फ्रेम अ क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आप डी आंसर बता रहे हो, क्वेश्चन बताओगे विच वन इज अ ग्लास स्लैब. वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे बोर्ड में. हाँ चलो ऐसे भी कह सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसमें होगी, इसमें से ग्लास स्लैब में, डी इसका आंसर है. वेरी गुड, इसने कहा कौन सी ग्लास स्लैब है, उसका आंसर भी डी है. वेरी गुड, और कोई क्वेश्चन? प्रिज्म कौन सा, वो तो तीन आ गए, वो नहीं होता. हाँ ये भी बन जाएगा, ये डी में आएगा इसका भी आंसर. किस केस में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होंगी? डी में, ग्लास स्लैब में ऐसे होगा. स्पेक्ट्रम, या फिर ऐसे कहें कि किस केस में व्हाइट लाइट डालने पे, सनलाइट डालने पे सेवन कलर दिखेंगे, किस में नहीं दिखेंगे? तीनों में दिखेंगे, इसमें नहीं दिखेंगे. तो ये था डी आंसर, करेक्ट था, बट क्वेश्चन ये था. चलो लिखो अब क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेवन कलर्स विल नॉट बी सीन? इसमें क्वेश्चन ही मुझे दिखा दो स्टेटमेंट, उसके आंसर की भेजी थी मैंने, मेरे सामने नहीं है अभी, मैं देख के बताऊंगी. एक अमृत ने भी क्वेश्चन दिया था, वो करते हैं इसके बाद, वो मेरे पास टाइम नहीं लगा, आप कर लेते हैं. नहीं होना उधर, आपने ट्राई किया तो हुआ ही नहीं. वैसे मुझे डाटा इनकम्प्लीट लग रहा है थोड़ा, यही है कुछ और भी नहीं. तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेवन कलर्स विल नॉट बी सीन when sunlight falls on the prism, when sunlight falls on the prism, glass slab भी transparent होती है, पर जब आप इसको light में देखते हो आपको seven color नहीं दिखते हैं, पर prism में दिखते हैं. reason क्या है? reason भी बताया था मैंने, क्या reason है? glass slab में क्यों नहीं दिखते बताओ, कौन बताएगा? glass slab में क्यों नहीं seven color, glass slab क्यों नहीं disperse करती? मैंने देखो डिस्कस किया हुआ है ये. एक प्रिज्म जो है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स केप्ट इन ऑपोजिट मैनर, न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट आ जाता है. एक पार्ट स्प्लिट करते हैं और दूसरा जो है उसको सेवन कलर में रिकम्बाइन कर देता है, इसलिए तो न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे स्लैब में. गॉट दिस? ये न्यूटन रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट है ना. नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर. डी क्या है यहाँ पे? डायोप्टर. डायोप्टर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस. When a convex lens of power 5 diopter is kept in contact with a concave lens, is kept in contact with a concave lens of power 10 diopter, of power 10 diopter, एक तो focal length निकालनी है, also predict the nature of combination.
ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन. देखो टी वन क्या है प्लस कन्वेक्शन, ये कंकेव है तो माइनस नहीं लगाया, गलत, कंकेव लेंस है माइनस लगेगा. अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, सो नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन इज कंकेव डाइवर्जिंग, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन भी कंकेव है. अब इफेक्टिव फोकल लेंथ इज वन ओवर एफ, पावर इज वन ओवर इफेक्टिव फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ आपकी कितनी आई, मतलब आप 100 बाय एफ लगा लो अगर आपने सेंटीमीटर में कर दी, ठीक है. माइनस 20 सेंटीमीटर, यस योर आंसर वाज राइट. ये ना देख लो, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लगता है पर इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं तीन चार, ठीक है ना, होगा एक नंबर का मिस्टेक्स आप तीन चार कर सकते हो जिसकी वजह से आपका मतलब 1/4 भी नहीं मिलेगा. आपको पता है एमसीक्यू में अगर तो आता है तो फुल वन, नहीं आता तो जीरो, इन बिटवीन कोई हाफ 1/4 1/3 भी नहीं मिल सकता आपको. तो एमसीक्यू जितने स्कोरिंग होते हैं उतने लूजिंग भी होते हैं. टेक केयर ऑफ दिस. और असर्शन रीजन फिजिक्स का एक ही आना है पर वो एक ही गलत था आपका पेपर में पिछली बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. चलिए नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन. बताओ आंसर क्या है, साकेत बताएगा आंसर क्या है. इफ दिस इज गिवेन व्हाट इज दिस, ये देखो यहीं तक मुझे सुन गया, आप बताओ क्या है ये, बोल के सुनाना ये क्या है लिखा. मैग्नीशियम, वेरी गुड.